लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है रेल के कहते हैं उससे उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल हमारे तो पहले टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी। और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूल कर वो अपनी ही जो है वहाँ पर मनमानी कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे एक पहले भी छोटा ब्रेक लिया उसके बाद भी उन्होंने जो है बहुत एक मुझे नहीं लगता इस तरह का आचरण जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए।